GCD of polynomial equations. हम किसी polynomial equation का GCD find कैसे करते हैं आज हम वो सीखेंगे. जैसे कि equation दिए हुए हैं, एक fx और gx equation दिया हुआ है और हमको इसका GCD find करना है ना. तो इसका GCD find करने के लिए मतलब एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को डिवाइड करना है. तो जो छोटा वाला इक्वेशन है मतलब कि हाँ छोटा वाला इक्वेशन है उसको उससे बड़े वाले इक्वेशन को डिवाइड करेंगे. तो जी एक्स यहाँ आया क्योंकि छोटा है और एफ एक्स यहाँ, इससे इसको डिवाइड किए मतलब जी एक्स से एफ एक्स को डिवाइड किए. यहाँ जी एक्स है और ये एफ एक्स है ना. तो अब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे. तो इससे इसको डिवाइड करने के लिए हम एक्स स्क्वायर है तो हमको एक्स क्यूब लाना है, टू एक्स क्यूब. तो टू एक्स का मल्टीप्लिकेशन कर दें इसमें. हम टू एक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर और माइनस फोर एक्स. अब हम इससे इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस, तो ये कट जाएगा. और इसमें से माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा, माइनस टू एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस फोर एक्स इक्वल टू फाइव एक्स और माइनस टू नीचे. अभी भी इससे इसको डिवाइड किया जा सकता है ना. तो अब हम माइनस टू का मल्टीप्लिकेशन कर दें इसमें, इसमें माइनस टू का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा माइनस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा. तो अब माइनस टू का मल्टीप्लिकेशन किए तो माइनस टू एक्स स्क्वायर हो गया प्लस टू एक्स प्लस फोर. अब हम इससे इसको माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, तो ये कट जाएगा. और 5x माइनस टू एक्स इक्वल टू थ्री एक्स है ना. और माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स हो गया. अब हम इस 3x माइनस सिक्स से 3 को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, क्योंकि अब इससे इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता. तो अब डिवाइड नहीं किया जा सकता तो अब इससे इसको डिवाइड करेंगे जो आया है. तो यहाँ से 3 कॉमन लेके x माइनस टू बचा तो अब x माइनस टू से इसको डिवाइड करेंगे है ना. तो x माइनस टू से इसको डिवाइड करने के लिए तो यहाँ x स्क्वायर लाना है. तो x में x का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस टू में x करेंगे तो माइनस टू एक्स. अब इसको माइनस कर दें तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये कट जाएगा. यहाँ बचेगा माइनस एक्स प्लस टू एक्स इक्वल टू एक्स और माइनस टू. ये अब अभी भी डिवाइड हो जाएगा तो एक्स माइनस टू में वन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स माइनस टू ही आएगा. तो एक्स माइनस टू कट जाएगा. मतलब इसमें ओवरऑल करना ये है कि छोटे वाले इक्वेशन से बड़े वाले इक्वेशन को तब तक डिवाइड करना है जब तक कि वो छोटा ना हो जाए. मतलब अभी यहाँ तक कि ये डिवाइड, अब ये छोटा हो गया, अब इससे इसको डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए अब फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे, जो बड़ा है उसको डिवाइड करेंगे. फिर जब तक डिवाइड हो गया, अभी यहाँ अगर नहीं कटता तो फिर इससे इसको डिवाइड करते हैं वापस, मतलब चेंज होते रहेगा. और जिससे मतलब कि डिवाइड होकर जीरो हो जाएगा वही होगा जीसीडी. जैसे कि एक्स माइनस टू से डिवाइड हुआ, अभी एक्स माइनस टू से डिवाइड होकर जीरो हुआ तो यही एक्स माइनस टू ही इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का जीसीडी होगा है ना. मतलब यहाँ जीरो हो गया इसके कारण, तो यही होगा यहाँ पर जीसीडी, इस इन पॉलिनोमियल इक्वेशन का जीसीडी एक्स माइनस टू होगा है ना. धन्यवाद.